दीवाने शाह बाबा के लिए सामान लोड हो रहा है, फकीरों का लंगर। गाड़ी में जा रहा है, जाने के लिए भरा जा रहा है गाड़ी में। और ये देखें आप, ये अज़द अली बैठे हुए हैं। एक्सीडेंट के बावजूद ये बाबा की खिदमत के लिए था, सामान लोड करने के लिए आए हैं। जी अज़द भाई, आप एक्सीडेंट होने के बावजूद आप बाबा की खिदमत के लिए इधर आए हैं सामान पहुंचाने के लिए। नहीं सुबह 8 बजे और मुझे आना पड़ा, वजह से पाँव दुखी, पाँव के साथ। ये आप देख सकते हैं। ये है ना जी। सलाम अलैकुम ना जी, कितने सालों के बाद दीवानी शाह पे जा रहे हो? तकरीबन 4 साल, 4 साल तो। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे अगर आप रात में बैठ जाए और सुने यहाँ पे लोगों की स्टोरीज, तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है दुनिया में और एक्चुअली में कहाँ पे होना चाहिए और हम कहाँ पे लगे हुए। ये थे नजी के और ये हैं आपके अज़र साहब जो काफ़ी घायल हुए हैं। ये इनकी टांग पे चोट लगा और ये इनके बारे में बताएंगे और इन्होंने क्या क्या काम किया और ये कहाँ जा रहे हैं, कौन सा सिलसिला वापस लेके आ रहे हैं। जी अज़र साहब, ग्लासेस तो पहनने देते हैं यार, इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, पूरी नहीं खोलते हैं ग्लासेस के भी अच्छे। सलाम अलैकुम, अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम आज निकले हैं दोस्त की गाड़ी में, यानी कि वीगो में, मेरे एक्सीडेंट की वजह से, वरना हम बाइक पे ही होते हैं। तो बस देखें, जहाँ से बुलावा होता है, दोस्त खुद आया, उसने ऑफ़र दी और हमने एक्सेप्ट भी कर ली। तो ये होती हैं वो चीज़ें जिन पर यकीन रखना पड़ता है कि एक दर आपका बंद हो तो दूसरा दर खुल जाता है, बस सेंसेस होने चाहिए। हम जा रहे हैं बेसिकली दीवाने शाह के मेले पर, तो मैं ग्लासेस पहनता हूँ, अब मैं देता हूँ आपको। तो अब अच्छा लग रहा हूँ, उससे पहले अच्छा लग रहा था, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बेसिकली हम दीवाने शाह का मेला जो है वो कवरेज के लिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमने बहुत से लोगों को कुछ आवाज़ें लगाई थी, बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड अपनी वीडियोज़ में भी बताया था, कुछ मस्जिद के काम का और कुछ लंगर का और कुछ कपड़ों का और कुछ राशन का। तो पीछे बस में वो सब कुछ आ रहा है और इस गाड़ी में जो हमने ख़ुद लंगर बनाना है और जो हमने लंगर्स करने हैं डिफरेंट चीज़ों के, वो हमारे पास मौजूद है। और इस वक्त हम नूरानी क्रॉस पे यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ आसिफ भाई ने कहा चाय पीनी है, तो हम चाय के लिए रुके, तो पता लगा आसिफ भाई वीडियो बनाने लग गए। आसिफ भाई के पास GoPro 10 आया है, इसका रिज़ल्ट बताइएगा, वीडियो की क्वालिटी बताइएगा और उसके साथ साथ वॉइस की क्वालिटी बताइएगा। तो जर्नी ऑफ फेथ बहुत सारी चीज़ों में नई नई इनोवेशन कर रहा है ताकि अच्छी क्वालिटी हो सके और
हिस्ट्री के साथ साथ म्यारी वीडियो जो है उसमें जो जो अट्रैक्शन हो सकती है वो आ सके। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के। ये हैं हमारे अब्बास साहब जिन्होंने काफ़ी मेहनत की लाल शहबाज के मेले पे, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, काम सीखते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ भी गुजारते हैं। जी अब्बास साहब कुछ कहेंगे आप? बहुत मज़ा आया है, बहुत खुशी हो रही है कि दीवाने के मेले पे दीवाने सरकार ने हमें बुलाया है और हम दीवाने सरकार के मेले पे जा रहे हैं और वहाँ पे जो है अभी हम जाके लंगर बनाएंगे। कावे का है, कावे का लंगर है, शरबत का लंगर है और खाने का भी लंगर है। तो मैं बेसिकली जो है खाने के लंगर में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ, खाने का लंगर बनाने के लिए। और बस बहुत मज़ा आ रहा है, जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। हाँ कुछ चल रहा है भाई? नहीं सलीम भाई बोल रहे थे, मैंने आसिफ भाई पीछे की जगह। ओह बाइक्स देखो यार, ओए होए अस्सलाम वालेकुम याली मदद, मैं आपका दोस्त आसिम मलंग आपको मेलों की उर्स की हर वो डिटेल बताने वाला जो दरवेश से जुड़ी हुई है। आज मैं दीवाने शाह पे आया हूँ। दीवाने शाह पे हम क्यों आए हुए हैं? जो लाउती जो है लाल शहबाज के यहाँ से निकलते हैं यानी कि लाल बाग से, वो यहाँ पे 7 दिन के बाद पहुँचते हैं और दीवाने शाह का जो है वो उर्स शुरू हो जाता है 7 दिन के बाद और ये लोग यहाँ पे स्टे करते हैं और वही सिलसिला होता है लाल शहबाज वाला। मेरे अंदाज से बहुत सारे लोग लाल शहबाज पे आते हैं लेकिन बीच के उनके सफ़र के बारे में नहीं पता होता है। मैं इस लाउत को आपको कंप्लीट करके बताऊंगा दीवाना शाह पे क्या होता है, यहाँ के लोग इनकी खिदमत कैसे करते हैं, बलूचिस्तान के लोग इनके लिए कितना वसी कर देते हैं, हर चीज़ का निज़ाम होता है खाने पीने का। रात भर आप मेरे साथ रहें और मैं आपको वो सारे लोग दिखाऊँगा जो दुनिया में नायाब हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उर्स क्या है, ये मेला क्या है, ये बलूचिस्तान के जो है पहाड़ों में क्या छुपा हुआ है, वो हर चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ हमेशा सुनते रहें, समझते रहें, देखते रहें और चैनल के साथ रहें।
मैं अपने सारे ही दरवेशों और मलंगों दोस्तों के साथ जो है यहाँ पे हूँ मेले में। जब मेला आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ईद हो गई है, क्योंकि हम लोग एक जैसे हैं, एक जैसी रूह के साथ रहते हैं। ये मेले में सारे लोग जो है यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, और यहाँ पे नहाए भी मज़े का माहौल बना हुआ है। काश आप लोग अपना टाइम निकाल के इस चीज़ को ज्वाइन कर सकें। ये सारे इश्क के रंग हैं, और इश्क किस रंग से होता है दिमाग से समझ नहीं आता। ये सब उसके चाहने वाले हैं, बोलने वाले हैं, और वो देख रहे हैं कि आपका इनको के इनका अकीदा कैसा चल रहा है। लेकिन ये लोग नहीं समझ आएंगे, आपको कभी नहीं समझ आएंगे, लेकिन आप इन लोगों को देखते रहोगे, समझते रहोगे और इनमें आते रहोगे तो हर चीज़ समझ आएगी। बाहर से दूर हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन करीब से मैं कहता हूँ कि कुछ बोलने से पहले आप उस गहराई में उतरें कि ये क्यों है सब कुछ, और आज तक ये मिस्ट्री क्यों है, और मिस्ट्री जो है मेरा आप तक पहुंचाना जो है वो फ़र्ज बनता है। मेरे साथ रहें, सुनते रहें, और इनके सारे रंग आपको दिखाऊंगा। आप दूर से देखते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आप अंदर से भी तो देखो कि ये क्या कर रहे हैं। हर बंदा अपने ही रंग में है। क्या रंग है, क्या आपने जाना कि आपका अपना क्या रंग है? मैं दीवाने शाह के मज़ार के करीब हूँ, जूँ के दूँ सारे लोग जो है उस मज़ार के अंदर जा रहे हैं और उसको पुरसा दे रहे हैं। मेरे अंदाज से आज ये बुजुर्ग इतना खुश होगा, वो ये सोच रहा होगा कि मैंने जो चीज़ बोई है और आज वो सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे अंदाज से ये लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वो जो बो के गया है आज उन्होंने काम कायम रखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि आप पुरानी चीज़ को पकड़ें, इन बुजुर्गों के पीछे चलेंगे, मेरे अंदर से वो रास्ता जो है कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ज़िंदगी के रास्ते में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन रूहानियत के रास्ते में, फ़कीरी और दरवेशी के रास्ते में बहुत कुछ होते हैं। इनका इश्क देख के बाज़ दफ़ा रोना भी पड़ता है और बाज़ दफ़ा हंसी भी आती है, लेकिन ये इश्क है, दिमाग में ना आने वाली चीज़। मैं आपका
चले मैं आपको वो रंग दिखाता हूँ कि जिसमें बंदे को कोई शर्म नहीं होती और वो उसकी मस्ती में और उसके प्यार में कहाँ मगन होता है, क्या कर रहा होता है। तो ये देखें, क्या आप कर सकते हैं? नहीं, ये चीज़ें दिमाग से नहीं होती। आप लगे रहें, देखते रहें और आपका हर वो रंग दिखाऊंगा। दरवेशी, मलंगी, सूफी क्या होता है, वो सब रंग देखें मेरे चैनल में। ये सारी वो जगह है जो दीवाने शाह पे जो है लोगों को दी जाती है, जो यहाँ के गांव के लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस मेले में उनको कमाने के लिए भी जो है मौका मिल जाता है। और यहाँ के जो खलीफा हैं वो उनको जगहें देते हैं, स्टॉल देते हैं, और इन स्टॉलों में वो अपनी हर वो चीज़ जो उनके पास है ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी लेके चल सकें। और ये स्टॉलों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, नायाब चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, स्टोन्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। गांव के लोगों को जो है ये सारे स्टॉल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पे ये नायाब होता है, पूरा साल इंतज़ार करता है ये गांव ताकि यहाँ पे मेला हो और कुछ लोग अपनी उजरत ले सकें, कुछ कमा सकें अपनी फैमिली के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल सकें। ये मलंग और गांव वाले सारे एक साथ मिलके जो है यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं। ये पूरा एक हफ्ता ये जो है चलता रहता है और यहाँ पे लोग जूं का जूं आने शुरू हो जाते हैं। हर रंग आपको मैं दिखाऊँगा और हर बंदा अपनी मस्ती में होगा, कोई किसी की मस्ती में नहीं होगा। जैसे मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ और ये लोग भी अपनी मस्ती में रहते हैं। मेला दीवाने शाह का, आप मेरे साथ लगे रहें, देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और मेरे चैनल को भी देखते रहें। ये वाहिद एक सूफी चैनल है जो जाके सब्सक्राइब करता है। मैं तस्वीरों से सब्सक्राइब नहीं करता, मैं मेहनत को समझता हूँ कि जाके वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका दोस्त आसिम हूँ। मेरे पीछे सारे वो रंग हैं जो दरवेशी और फ़कीरी और मलंगी में होते हैं, और वो सारे रंग इतने खूबसूरत होते हैं कि आप आने के बाद जो है यहाँ पे गुम हो जाते हो। क्यों गुम होते हो, क्या करते हो, क्यों इनके साथ मस्त हो जाते हो, ये क्यों मस्त हैं और ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं जब आप दुनिया की दारी के हिसाब से बाहर निकलते हो। मेरे साथ जब भी कोई नया आता है वो इतना खुश होता है और वो साल के बाद जो है इस यादों में अपने आप को मगन रखता है। जब वो परेशान होता है किसी चीज़ में तो अचानक उसके दिमाग में कोई ढोल बजने शुरू हो जाता है या कोई ना कोई ऐसा मस्ती वाला म्यूज़िक बजने शुरू हो जाता है जिसके बाद वो एकदम हंसता है और अपने काम में लग जाता है। ये वो सारे लम्हे होते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं और आपको हमेशा जो है हौसला दिलाते हैं। ये सारे रंग, ये सारे म्यूज़िक, ये सब चीज़ें आपके लिए एक याद होती हैं। जैसे आपकी हमेशा परेशानी जो है आपको तकलीफ़ देती है, इसी तरीके से सारी ये यादें जो होती हैं वो आपको पूरे सालों का साल जो है खुश रखती है। इसलिए हम लोग मस्त रहते हैं चाहे कितना भी बड़ा काम हो। हमेशा याद रखना कि एक उम्मीद के बाद एक किरण जुड़ती है और वो किरण जो है वो ज़मीन पर ही होती है, सिर्फ आपको ढूंढना होता है और उसी किरण में आपका अपना वजूद भी होता है। मैं आपको बता रहा था कि इस रंग में जो है पंजाब भी जो है वो रंगीन हो गया है। पंजाब बलूचिस्तान में सिंध में आता है और अपने आप को भूल जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ के लोग जो है पंजाब के यहाँ पे किस तरीके से आते हैं, कैसे करते हैं। मुझे एक लेडीज़ मिली और उसने बताया कि वो ज़िंदगी भर जो है यानी कि पूरे साल वो काश्तकारी में करती है, ज़मीन पे मेहनत करती है और जो वो फसल उगाती है उसमें से थोड़े थोड़े पैसे वो साइड पे कर देती है और उसको पता होता है कि उसने मेले पे आना है और उसकी वो मेले की जो है शिद्दत इख्तियार पे पहुंच जाती है। और वो जब आती है मेले पे तो वो अपने सारे रंग में होती है क्योंकि एक साल का इसका इंतज़ार होता है और वो उस इंतज़ार में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेती है। वो मेले की लगन में जो है वो इतनी मेहनत करती है कि उसका घर भी चलने शुरू हो जाता है और वो घर बार को भी देखती है और मेले के पैसे भी जमा करती है। ये लोग फिर शुरू होते हैं पंजाब से और ये लोग फिर आते हैं सिंध में यानी कि लाल के पास। लाल के आने के बाद ये बलूचिस्तान में वो सारे ही कलंदरों और वलियों के पास जाते हैं जो इनको बुला रहा है। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसा होता है जो रूह का कनेक्शन होता है। कहते हैं कि आप अगर किसी को इंसान को आवाज़ दो तो अगर वो आगे से कह दे कि मैं नहीं आ रहा तो इंसान जो है वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर वो ऊपर के बाद देखने के बाद फिर वो वसाइल इन वलियों और कलंदरों तक पहुंचता है। आज ये सारा पंजाब जो है इन वलियों के पास क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं तो ये लोग बांट रहे हैं, सोचने की बात है, दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन मैं उन पंजाब के सारे लोगों को सलूट मारता हूँ जो लाल शहबाज से पैदल आते हैं। अब इनमें खातून भी हैं, बहुत सारी औरतें भी हैं जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और इन बुज़ुर्गों के पास आके वो ख्वाहिशें बोलती हैं और वापस आने के बाद और वो खुशी से इंतहा हो जाता है कि उनकी एक साल में जो है ख्वाहिशें पूरी होती हैं। फिर वो दोबारा आती हैं, फिर वो दोबारा आते हैं। ये क्यों आते हैं, ये क्यों सुनते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
आज मैं आपको दरवेशी वो सारा सिलसिला बताऊंगा जो लोगों के पास है। आप दूर से देखते हो हकीर के हिसाब से कि गरीब आदमी है, क्या पता वो आपसे भी अमीर हो, दिल का अमीर हो, खिलाने वाला हो। अमीरी का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है उठाए और पैसे दे दिए, अमीरी का मतलब है खिदमत। और हमें जो खिदमत सिखाई गई है शुरू से, वो आज शायद हम भूल चुके हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद और इन लोगों को बात और इनके इश्क के बाद आपको ये बात पता लग जाए कि खिदमत क्या है। खिदमत वो है यानी कि अपने मुंह का नवाला खिलाने वाला। क्या आप अपने मुंह का नवाला खिलाते हैं? सोचें मेरी इस बात पे। मैं आपका दोस्त अरे हाजरी ये नया ग्रुप आया है और इसका इस्तकबाल हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इनको भले जाने ना जाने लेकिन नए ग्रुप का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये रास्ते भर इतना चलने के बावजूद जैसे यहाँ पे आते हैं, ये जैसे रास्ते पे यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे इनके सारे दोस्त इनको वेलकम करते हैं। दोस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जानना पहचान भी होती है, लेकिन मलंग है, मलंग एक ही रंग है, सारे रंग नहीं है। इनको आके ये लोग बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पैदल चल के आए हुए हैं, पहाड़ों में से गुजर के आए हुए हैं। फिर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सफ़र का पूछते हैं और ये सफ़र इनका यादगार रहता है साल का। ये जो नया ग्रुप आया है अभी इनको बैठाएंगे, फिर सुबह ये सफ़र में निकल जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमारी भी ज़िंदगी सफ़र है और ये सफ़र हम किस तरीके से गुजार रहे हैं? क्या इनकी तरह गुजार रहे हैं, लम्हों के साथ गुजार रहे हैं, या एक बंद घर में गुजार रहे हैं, या एक गाड़ी में गुजार रहे हैं? मैं आपका दोस्त मेरे चारों तरफ शोर ही शोर है। क्यों शोर है यहाँ पे? ये लोग इतने खुश क्यों हैं? क्या कर रहे हैं? हर तरफ म्यूजिक, हर तरफ धमाल, हर तरफ झूमना। क्यों झूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब सिलसिला मैं आपको लेके चलता रहूंगा और आप देखते रहें। मेरे अंदर से हो सकता है कैमरे में आप भी झूमने शुरू हो जाएं, क्योंकि मेरे पांव खुद भी कदम रुक नहीं रख रहे हैं। आज मैं आपको वो धमाल और वो सब मस्ती दिखाऊंगा जो यहाँ पे जो है मलंगों और दरवेशों के साथ है। हमेशा आपको देखना अच्छा लगता है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमें धमाल बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, नज़र आना चाहिए। आप देखें लाइफ और ये देखें कितनी मस्ती में गा रहा है और इसके साथ ये लोग क्यों इतना डांस कर रहे हैं, क्यों कदम उठ रहे हैं। मेरे अंदर से शायद मेरे कैमरे वाले का पाँव भी जो है दिल चाह रहा है करने का, लेकिन शायद अपनी सोच में फंसा हुआ है। लेकिन मेरे अंदर से मेरे कैमरे वाले को भी धमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रूह ताज़ा होती है। चलें धमाल की तरफ और लेके चलता हूँ आपको, सब कुछ वो दिखाता हूँ जो मलंग और दरवेश और फकीरों में पाया जाता है, आपकी दुनिया में नहीं। चले आए ये है सारे इस रंग और इन रंगों में है मोहब्बत और इन्हीं रंगों में है सारी नस्लें। कौन सी नस्ल कहाँ से आई हुई है मैं आपको हर बंदे से मिलवाऊंगा कि वो इतनी दूर से अपने सारे काम काज छोड़ के इन सारे लोगों में शामिल हुआ है। मेरे अंदर से ये शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन इनकी जान पहचान यहाँ होगी। इसे कहते हैं मेला, इसे कहते हैं उर्स, इसे कहते हैं उस बुजुर्ग की खिदमत या उस बुजुर्ग का अहतराम जिसने यहाँ पे कुछ छोड़ के गया। क्या मैं आप छोड़ के गए? नहीं। आज ये बुजुर्गों के नाम क्यों हैं, आज इनके उर्स क्यों हैं, मेले में लोग खुश क्यों होते हैं, मेरे अंदर से ये सबको मिलवाने के लिए होते हैं। मेले के हर रंग उस बंदे से मिलवाऊंगा आपको, वो बंदा क्यों आया और किस गाँव का है, एक एक से मिलवाऊंगा, उसकी स्टोरी सुनाऊंगा। हर बंदे के पीछे एक स्टोरी है और क्यों है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप हमेशा ये कहते हैं, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा,
कि मज़ारों पे तो लोग नशे करते हैं, आपने नशे देखे? वो नशा क्यों करता है ये नहीं जाना। क्या आपने कभी किसी नशे वाले को सुना? नहीं। मैं आज रात इन लोगों के बीच में बैठ के इनकी सारी कहानियां सुनता हूँ कि ये लोग इस तरफ क्यों आए। एक बंदा अपना घर छोड़ के एक मज़ार पे क्यों रहने आया, क्यों उसको घर छोड़ना पड़ा, उसके पीछे क्या कहानी है, वो नशा क्यों कर रहा है। आप लोग सुनाने वाले हो, आप लोग उंगली उठाने वाले हो, क्या आपने कभी सोचा कि हम ये जो रोड पे लोग कचरा उठा के घूम रहे होते हैं, पागलों की तरह हवा में आर्ट बना रहे होते हैं, इनके पीछे क्या स्टोरी है? हमें तो अपनी स्टोरी से फुर्सत नहीं मिलती, हम क्या किसी की स्टोरी सुनेंगे। हम वो हैं जो सिर्फ उंगली उठाते हैं। आए इनको सुने, आज ये नशा कर रहा है तो कोई वजह है। हो सकता है कि आपका हाथ इनके कंधे पे रखने के बाद वो नशा छोड़ सकता है। थिंक अबाउट, हमेशा ये सोचना कि हर बंदे के पीछे वो अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहा है, उसके पीछे कहानी होती है। हम अपनी कहानियां उसको सुनाते हैं, कभी क्या हमने सुना? आज ये बुजुर्ग इनकी सुनते हैं, और जब ये जिंदा थे जब भी सुनते थे।
तुम्हें हैदर, तुम्हें हैदर, तुम्हें हैदर न कहूं क्यों? यहाँ नहीं तुमने काबे का कुछ तोड़ा, अबू जहल का मुख मोड़ा, जजला के उलट घर पर थे पर का बकर तोड़ा, बेमार किया लश्कर अंतर का निपट घोड़ा, अंतर को कर दो टुकड़े लूटा मार न छोड़ा, फिर तुमको बुद्ध शिकिन कातले अंदर न कहूं क्यों? तुम्हें हैदर, तुम्हें हैदर, तुम्हें हैदर न कहूं क्यों?
आसिफ भाई खाना बना रहे, अब्बास मुर्गी धो रहे, वजी उसके साथ मुर्गी धुला रहे, और ये हम मेले पे आए हुए हैं। लंगर बन रहा, ये इस वक्त मेरे सामने जोड़े पड़े हैं, तकरीबन 70 हैं सूट्स, जो भी यहाँ के जो हैं खलीफा वो बांटेंगे, और क्योंकि मेरा पाँव सही नहीं है तो हमने उन्हीं को सिलेक्ट किया, क्योंकि लोग हमसे कंट्रोल नहीं होंगे। ये हमारे सारे राशन जो है पहुंचा है, साथ ये घुमा थोड़ा दूर से ना ले, सर पे बगना कलर है राशिद बैठा हुआ था, राशिद नहीं आया। अब्बास बोलने गया था ना, अब्बास उसको बोलने खत्म हो जाएगा तब आएगा यहाँ पे जाके। मैं खुद गुलाम हुसैन काशकली बदीन से नियत करके लाउत का सफर किया है, बदीन से आए हम सेवन से फिर हम पैदल निकले नूरानी शहबाज, फिर नूरानी शहबाज पे हम आए आमन शाह पे, फिर आमन शाह से हम लाल बाग पे पंचन बाग है, फिर कचहरी का बाग है, फिर माई रोई है, फिर बगा शेर है, भित जबल है, चुगण जबल है, चुगण जबल से फिर हम उतरे हैं एक माई किनड़ी, किनड़ी से उतरे हैं बेलूल सरकार पे आए, अभी बेलूल सरकार पे ड्यूटी दे रहे हैं, मौला की धमाले दे रहे हैं, नुवे पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अभी इधर से जाएंगे सीधा टेकू पे, टेकू से फिर मस्जिद है मौला की,
लती सरकार खुद ने बनाई है अपने हाथों से, फिर उधर लती पे सजदा देंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे सबके लिए, कायनात के लिए, अपनों के लिए दुआ मांगेंगे, फिर आगे जाएंगे मच्चे मौला का, जो एक पेरे लतीफ का मच्चे, कलंदर का मच्चे, दोनों मच्चे उधर लकड़ियां डालते हैं, नए लाउती जो भी होते लकड़ी उठाते उसमें डालते हैं, फिर उसकी लाउत कबूल होता है, फिर वो लाउती होता है, हम उसको मुबारक देते हैं, फिर हम शीलक चढ़ते, वो ज्यारत करके शीलक चढ़ते, शीलक चढ़ के फिर उधर नारे लगाते हैं, शीलक पे हम फतेह करके आए, फतेह लश्कर या अली, फिर अली मौला इधर, फिर शीलक पे होते हैं, फिर शीलक से उतरते भोला लग के, भोला लग ऐसा जबल है जिसमें पता नहीं पड़ता है उसको भोला इसलिए बोलते हम, लेकिन भुला देता है नवा लाउती जो भी होगा उसको भुला देगा, लेकिन हम पुराने हैं, हमारे को भी किसी जगह पे वो भोला, इसका नाम ही भोला है, किसी किसी जगह पे हमारे को भी भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हम भूलते नहीं है, मौला अली का नारा लगाते, पंचतनपा का नूरानी का नारा लगाते तो हम सीधा ही सीधा निकल जाता है। फिर मोहम्मदी गेट आता है, पाक मोहम्मद मुस्तफा का, आप देखेंगे वाकई गेट है, हम इधर इतना सफर करके आए, एक गेट में से निकलते हैं, एक गेट बना हुआ है जिधर से हम निकलते, पर जैसे गेट से निकलते ना सामने सरकार का दीदार करते हैं, नूरानी के जबलों का, जिस जबल को बोलते खट जबल, उसका असल नाम है मलकूत, मलकूत जमीन पे मलकूत है, जबरूत है आसमान में, फिर हम मलकूत पे जाते हैं, मलकूत की ज्यारत करते हैं, मलकूत पे बैठते हैं, फिर हमारे को सय सय सादात बोलते अभी चलो लाहुतला मकान, लाहुतला मकान है मौला मुश्किल कुशा हैदर करार की हवेली, मौला मुश्किल कुशा की हवेली है लाहुतला मकान, उधर मौला की सवारी बैठी है जिसको हम ऊँट बोलते हैं डाची, वो बैठी है, उसकी ज्यारत करते हैं, फिर माँ का पेट आता है उसमें से निकलते जैसे बच्चा एड़िया मारता है पसड़ाटियों में माँ के, ऐसे माँ के पेट में हम एड़िया मार मार के फिर बाहर निकलते, फिर बाहर निकल के आते हैं, फिर लोग हमारे को मुबारक देते हैं, भाई आप अब अभी आप लाउती मुकम्मल लाउती बन गए, फिर उधर से नारे मार के झूमते झूमते आते हैं परियों के तालाब पे, परियों के तालाब पे सबील पीते हैं, नहाते हैं, मौला को याद करते हैं, फिर उधर से उतर के आते हैं मौला के कदम में मुश्किल कुशा के नूरानी सरकार में, मौला मुश्किल कुशा के कदम है उधर कदम की ज्यारत करते हैं, कदम की ज्यारत करके फिर सीधा नूरानी सरकार की इधर मजार पे जाते हैं, झूमते हुए नारे लगाते हुए सलवाते पढ़ते दुआएं देते नूरानी सरकार की दरबार में जाते, फिर उधर झुकते हैं, जो भी मांगना होता है हम मांगते हैं दिल से, और दुनिया के लिए पहले मांगते, पहले दुनिया के लिए फिर हम लाउती अपने लिए मांगते, फिर सरकार हमारे को हम सुनते हैं सरकार हमारी दुआ कबूल कर रहा है, हमारे को यकीन है कबूल कर रहा है, गाँव जाते हैं जो जो दुआ मांगते हैं हक वाली, नाक वाली नहीं हक वाली, तो हमारी कबूल होती है। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, गुलाम हुसैन खास के लिए बदीन, बदीन का लाउती पैदल 24 लाउत मेरे हुए हैं, पैदल में 24 लाउत मैंने किए हैं, मौला आपको खुश रखेगा, आपके चैनल को खुश रखेगा, आपको खुश रखेगा, पंचतन पाक जिधर भी जाएंगे आप कामयाब हो गए, आपका जो मिशन है हमारे को बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारे को पसंद है आपका मिशन, मौला आपको कामयाब करेगा रब्बुल आलमीन, जितने भी वली है सिंध में, जितने भी पाकिस्तान में वली है उनकी आप रियादत करते हो, दिल से रियादत कर रहे हो, दिल से उसका पैगाम पहुंचा रहे हो, आपका मौला पंचतन पाक आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, बिस्मिल्लाह। ये थे गुलाम रसूल जो अपने दिल की बात कर रहे थे और अपने सफर की बात कर रहे थे। क्या आपकी जिंदगी का कोई सफर है? मेरे अंदर से नहीं है। अगर नहीं है तो गुलाम रसूल से सीखें कि जिंदगी में सफर से हमेशा आप कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो जिंदगी में पेस्ट होके गुजारना और ये देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीछे जाना है। अपनी मंजिल लेके चलें और अपनी मर्जी करें, ये नहीं देखें लोग क्या कह रहे हैं। मैं दोबारा आपको किसी और शख्स से मिलाता हूँ, यहाँ पे हर रंग और हर रंग आपको दिखाऊंगा, हर रंग के पीछे कहानी है, क्या कहानी है। दूर से मलंग को देखने वाले जो है वो बड़े हकीकी नज़र से देखते हैं, कभी करीब से देखें, कभी क्या आपने उसको सुना, कभी नहीं सुना। आप हमेशा पंचायत करते हैं, इन मलंगों की जिंदगी में आओ और इनको सुनो और इनसे सीखो, मेरे अंदर से आपको सीखने की जरूरत है। मैं आपका दोस्त, साइड में ग्रीन लाइट आ रही है ना आवाज की। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, मैं यहाँ पे दीवाने शाह यानी के बैलूल दाने बलूचिस्तान दोरा जी पे आपके लिए जो है यहाँ का मेला लेके आया हूँ, और रात से मैं आपको वो सारे रंग दिखा चुका हूँ कि मेरा अपना रंग भी मुझे लगता है फीका है। ये लाउती, इनके वो रंग हैं
शायद मुझे सीखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ। ये इनका पैदल का सफ़र, इनकी ज़िंदगी का सफ़र और इनकी परेशानी का शक्ल सफ़र। और दूसरी बात ये कि इनकी शक्लों पे परेशानी नहीं होती, किसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, वो कैसे पहुँचा इस जगह पे और कहाँ तक पहुँच गया और ये लाउत पे क्यों आ गया और इसने अपनी ज़िंदगी छोड़ क्यों दी। ये सब वो रंग हैं, ये वो सब बातें हैं, ये सब वो मिस्ट्री है मेरे इमामों की, मेरे कलंदरों की, मेरे वलियों की। कोई ना कोई कुछ ना कोई ढूंढने आता है, लेकिन बगैर बुलाए कोई नहीं आता। मेरे अंदाज से एक दिन आप भी आएंगे अगर आप नियत करेंगे। बाहर से बैठ के देखना और यहाँ पे आके जानना। मैं इनको सुनता हूँ, समझता हूँ, रात भर इनके साथ रहता हूँ और ये लोग जितनी मुझे इज्जत देते हैं, शायद ही मेरी ज़िंदगी में मेरे अपनों ने भी इतनी इज्जत दी। तो बताएं कि मेरे अपने अपने हैं या ये मेरे अपने हैं। बस इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलता है मलंग का और वो अपना सफ़र चलता रहता है। आज जो है बहलूल दाना यानी कि दीवाना शाह, आज बहुत खुश है कि आज उसके पास सारे उस जैसे लोग आए हुए हैं। बहलूल दाना की जितनी भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेथ पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, हमने इनकी हर वो बात बताई और हमने जो यहाँ पे काम किया वो भी आपको दिखाया। आज बहलूल दाना जो है वो अपनी कब्र में इतने सुकून से हैं कि शायद ही कोई सुकून से होगा। मैं आपको बहलूल दाना की ज़ियारत करवाता हूँ और ख्वाहिश रखता हूँ कि कभी भी आपका बलूचिस्तान में सिर्फ आने की नीयत हो तो आप हमारे चैनल में बोलें, हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ तक पहुँचाने की। आप पहला कदम बनाएंगे और उठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से जो कुछ हो सका हम आपके पहले कदम में आपका साथ देंगे। अगर आप आशिक हैं तो अपना दिमाग खोलें और कदम बढ़ाएं। सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं और सारे लोग ऐसे चलते रहते हैं। ये मज़ार के लोग अगर कोई एक दफ़ा आ जाता है तो वो 10 साल के बाद भी उसको पहचान लेते हैं और उसकी सुनते हैं और उसको कहते हैं कि तू कहाँ है, फिर कहते हैं कि आजा मेरे पास, कहीं ना कहीं तेरे लिए कुछ रखा हुआ। मैं ये बातें तो करता हूँ लेकिन बातें दिखा नहीं सकता क्योंकि दिल नहीं दिखा सकता। आए ज़ियारत करें और इस मेले के साथ जो है उस गम को भी और उस खुशी को भी और इन सारों की जिंदा दिली को भी जो है मेरे साथ एप्रिशिएट करें। मैं वो काम कर रहा हूँ जो कुछ हटके है और कहते हैं कि हटके काम करने वाला हमेशा नामों में याद रखता है। जब मैं जाऊँगा इस दुनिया से कोई ना कोई किसी ना किसी सदी में मुझे देख के कुछ सीख लेगा और यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये लोग जिंदा हैं और ये हमेशा रहेंगे मेरे जाने के बाद भी। आए ज़ियारत करें, यहाँ से पूरा आराम आराम से पूरी कवरेज मारो। बहलूल दाना एक अपनी मसाल आप बलूचिस्तान के, कहा जाता है कि ये बलूचिस्तान में बगदाद से आए थे और इम का ज़खीरा इनके पास बहुत था, लेकिन यहाँ पे क्यों आए। कहते हैं कि उस ज़माने में कहा जाता था जिसको जो हुक्म हो जाता था वो उस जगह पे निकल आता था। बहलूल दाना ने अपनी हिकमत और दनाई के हिसाब से यहाँ पे बहुत कुछ किया, यहाँ पे इल्म बख्शा। आज इनके बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो आपको ओज शरीफ में भी मिलेंगे। दो शागिर्दों ने ये ख्वाहिश रखी कि वो इनके जो है यहीं पे दफन होंगे। इतनी तालीम पाने के बाद भी और शरीफ में रहने के बावजूद भी आज वो इनके कदमों के पास हैं। मैं ये कहता हूँ कि उस्ताद उस्ताद होता है। आज ये दो शागिर्द इनके बार वाले हिस्से में हैं और इनकी वालदा जो इनको नहीं जानती थी, जिनका इनका खून का रिश्ता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इनको अपने पास पना दी। ये एक दरवेश थे और बगदाद से यहाँ आ गए थे।
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और ये आप ज़रूर मुझे बताएंगे, इस बार कवरेज जो है वो आसिफ मलंग ने की है और कुछ मेरे दोस्तों ने, और मैं कुछ वजूहात की वजह से जो आपको पता है वीडियो में नहीं कर सका हूँ। बीच का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में आसिफ मलंग ने एक पॉइंट अच्छा बोला और उसकी को मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हर किसी का एक लाइफ स्टाइल है और दुनिया जो है वो मीडिया के पीछे चलती है, यानी कि आप हम मीडिया को फॉलो करते हैं। फैशन हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, कुछ भी है, आप मीडिया को फॉलो करते हैं क्योंकि मीडिया पे हर चीज़ की एडवर्टीजमेंट होती है और वो एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका माइंड बनाती है और उस माइंड के बेस पे जो है वो आप मुख्तलिफ काम करते हैं क्योंकि एड जो चलते हैं उसमें वो चीज़ अमली तौर पे करके दिखाई जाती है, तो आपका माइंड बनाया जाता है और वो चीज़ जब बाजार में आप देखते हैं, दुकानों में, शॉपिंग मॉल में देखते हैं, तो उस चीज़ को जो है वो आप अडॉप्ट करते हैं और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल है, चाहे मेकअप स्टाइल है, चाहे कपड़ों की स्टाइल है, या आपकी ग्रॉसरी है, कॉकरी है, या होम अप्लाइंसेज है, या कुछ भी है। इसी तरह ये भी एक सिस्टम है जो 800 साल से चल रहा है, जो आपकी नज़र से ओझल है। क्यों? क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं दी, इसके फायदे नहीं बताए, इसके नुकसान नहीं बताए, सिर्फ इसको हकारत की नज़र से देखा गया। और ये वो सच और या कड़वा सच है जो आपको शायद कहीं लगे, और अच्छी बात है, लगना चाहिए कि हम अपनी तहजीब भूल गए हैं। इसमें एक कहावत याद आती है, कौआ चला हंसकी चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो हम बींग अ मुस्लिम, बींग अ ह्यूमन बींग, जो बेसिक्स है हमारी लाइफ की वो नहीं है। हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें हमें चाहिए। कितनी अजीब सी बात है, गर्मी में हमें ठंड चाहिए और ठंड में हमें गर्मी चाहिए। गर्मी होती है तो हम एसी में जाते हैं, ठंड होती है तो हम जो है वो हीटर में जाते हैं। हमारा जो है वो उन्होंने मिजाज चेंज कर दिया है, अल्लाह ने कुदरती मौसम दिए हैं। अगर किसी बुजुर्ग ने, और ऐसा बुजुर्ग जो पावरफुल हो, उसने कोई एक अमल शुरू किया है, दुनिया उसको कर रही है, आप नहीं कर रहे, तो आप वहाँ ऑब्जर्व करें, आप जाएं देखें। यहाँ मैं अभी भी बहुत से लोगों से मिला हूँ ऐसे जो बाहर के हैं। लास्ट ईयर मुझे यहाँ एक जर्नलिस्ट मिली जो अमेरिका से आई, अभी मैंने सुना है कोई फोटोग्राफर है जो फ्रांस का है वो यहाँ आया हुआ है। इसी तरह और भी जो है वो यूरोप से कोई आया हुआ है, लोग आके रिसर्च कर रहे हैं, हम उनकी रिसर्च देख के हाँ कहेंगे, हाँ सही है। तो बेसिक कहने का मकसद ये है कि आप ऐसी जगहों पर आएँ, कोई गंदी जगह नहीं है, कोई यहाँ नहीं है, हर अमल का दारोमदार आपकी नियत पर होता है और आपके अमल पर होता है। दूसरा कर रहा है, जरूरी नहीं है आप ही थप्पड़ मार के मुंह लाल करें, वैसे तो कर रहे हैं मीडिया को देखकर, मगर इस चीज को देख के जब आप देखेंगे, इनमें रहेंगे, बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आज के इंसान जिन चीजों में, जहनी मसलों में फंसा हुआ है, ये लोग नहीं फंसे हुए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में आजाद है, बहुत सारी चीजों में जो है ये खुद मुख्तार है और एक फॉलो करते हैं पैटर्न, इनकी तरबियत होती है। ये बेशक ये नशा करते होंगे, बेशक ये ड्रग्स लेते होंगे, मगर इनके अंदर एक अच्छा इंसान भी तो बैठा है, उसको तो जांचें। जर्नी ऑफ फेथ यही काम कर रहा है और हर किसी के अंदर वो अच्छा इंसान या वो लाइट या वो बत्ती जो आपके दिल में जल रही है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वही एक छोटी सी किरण जो है इस माशरे को क्या आपको भी जिंदा कर देगी। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या इस मेले में। कहते हैं कि स्किल पर्सन या हुनरमंद या काबिल इंसान कहीं पे भी होता है, जरूरी नहीं है किसी ऑफिस में बैठा हो या किसी महंगे रेस्टोरेंट में अब मिले या आपको किसी जो है वो बहुत बड़ी जगह पे मिले या उसका टाइम लेना पड़े हमें या उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। ये मेला है, यह हर रंग है और यह हर नस्ल का बंदा है और हर कोई अपने चाहत के और दिल के हिसाब से, एक दिल के रिश्ते के हिसाब से ये लाहूत करता है। ये लाहूत की बहुत मेन पॉइंट है दीवाने शाह, और यहाँ पे अभी हम आपको सैयद इब्राहिम से मिलवाएंगे, वो भी अपनी दुनिया में मस्त हैं और बहुत सारी इनके पास स्किल्स हैं, हुनर हैं और हरफन मौला हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम जी, पीर मुर्तजा अली अलैहि सलातो सलाम मदद। कुछ अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम सैयद इब्राहिम शाह काजमी है,
میں کوئٹہ کا کوئٹہ میں پیدائش ہوئی میری اور میرا رہائش جامشورو میں. اور کیا بتائیں آپ کو کیا کیا کر لیتے ہیں آپ اپنی زندگی میں؟ میں ٹیلر ماسٹر ہوں, اچھے سے اچھا کپڑا سلائی کرتا ہوں اور اے سے زیڈ تک اچھے سے اچھا علم بناتا ہوں غازی ابو الفضل العباس کے صدقے میں. خانہ کعبہ کا شبی بنا لیتا ہوں, کوئٹہ میں کئی بنائے ہیں, اور تابوت بناتا ہوں میرے مولا کے جتنے بھی تابوت ہے موسیٰ کاظم کے, تو اچھا بناتا ہوں 25 رجب کو. اور اس کے علاوہ یہ ابھی آپ نے رکھا, یہ بھی بجاتے وغیرہ ہیں؟ جی بجاتے ہیں. تھوڑا سا ہمارے لیے, لوگوں کے لیے چاہیں گے ہم کہ تھوڑا سا انہیں بھی اس کا سر بتا دیں. میرے مولا خود ڈالیں گے, باقی ہم لوگ جو ہے پھونکیں گے اس کے اندر, باقی میرے مولا کا نام لیں گے جو اس میں سے ہے جو آل وسیلہ. ابھی تو یہ ہے کہ اس کو دھویا بھی نہیں ہے, اس کو تیل بھی نہیں دیا, پھر بھی کوشش کرتے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. کلندر عباس, حق علی, حق عباس پہ رکھ. اے دریام کلندر عمستم بندہ مرتضی علی استم, یہ میرے مولا شہنشاہ کبریا کی شان میں انہوں نے فرمایا, میرا نہیں. اے دریام کلندر عمستم بندہ مرتضی علی استم, سرگروہ تمام رندانم کے سکائے کوئے شیر یزدانم, سگنیم سکائے کوئے شیر یزدانم, سگے دوجا آشد یزید برباد, لعنت والے قوم ملعون باد. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی استم, چاردات ان شفیع سیانم, چاردات نور شفیع سیانم, میرے شاز دین و ایمانم, مدائشا شب و روز امیم میں خانم. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی استم, باصفات علی ابن ابی طالب, عادی و مہدی شاز غالب, من بظہور زجان و قلبم. حیدریم قلندرم مستم, جامع مہر علی زردستم, جامع مہر علی زردستم, بعد ہی جام خوردم کے مستم, کمر اندر قلندری بستم, از دل پاک حیدری استم, زیش کے دوست ہر وقت درنار میں سوزم, گائے بل خاک میں غلطم, گائے بل خار میں غلطم, گائے بل خار میں رقصم. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی استم, مقصد حیات بس فقط یا حسین است, بعد از کربلا خوشی آرام است. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی استم, نہ اسمم نہ جسم, نسیمم نہ سمیم, کونو مکان نمی دانم, من آن سر جلال اللہ بودستم, کہ بکوئے تور موسار ہدایت کردم. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی استم, چوچرا نمی دانم, شاہر گدا میں کنم, گدارا شاہ میں کنم, یار را شیطان میں کنم, شیطان را مہمان میں کنم, یوسف گم گشتہ چاہ, ایوب و درد مبتلا میں کنم, من عام میں کنم, اوم میں کنم, کسرا نباشد چوچرا. او بولو 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 حسینی لال کلندر ماس, حق سخی سجاد تیرا. سلام ہے, سلام ہے سارے لاوتیوں کو, جو جاتے پیدل ان سب کو سلام ہے. میرے محمد والے محمد کا جتنا ان کو خیال ہے اسی رستوں میں ہی آتا ہے کہ کیسے کیسے رستوں پہ چلایا گیا ہے اہل بیت والوں کو. سلام ہے ان کو جو دین خدا کی خاطر تاکہ راست ہو جائے چلتے رہے اور اب بھی چل رہے اس کٹے ہوئے سروں کے ساتھ. سلام ہے یا حسین تیرے اس قربانی کو, اس ذبح اسماعیل کے عظیم قربانی کو, اور صحیح رنگ دینے والا سلام ہے تجھے, سلام ہے تجھے کٹے ہوئے سر کو, سلام ہے ان کٹے ہوئے سروں کو جنہوں نے شہر بہ شہر, کوچہ بہ کوچہ, نیزے کی نوک پر بے شک کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ بولتے ہوئے قرآن کا بیٹا ہے ہی نہیں تو کیا ہے, ناطق قرآن ہے خود حسین, شاہ حسین, بادشاہ حسین,
दीन हस्त हुसैन दीन पना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद अक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन फरजंद दिल बंदे फातिमतुज़्ज़ारा व खैर उन्निसा अलआलमीन हस्त हुसैन फरजंद गयूर अबू तालिब इब्न अबी तालिब अली हस्त हुसैन तरबियत हसन मुश्तबा जीनत बीबी जैनब जैनब कुबरा हस्त हुसैन शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन सरदाद नदाद चपलाक जद बरुस यजीद एतु शाहस्त शाकार बादशाह शहनशाह शाह हुसैन शाहबाजी बाश हैदरी बाश कलंदरी बाश बेशक खाली बाश बगैर विलाए अली अरगिज नशुई वली निजामुद्दीन हयादारत के मेक बंदे शाह हम वली ए कुन कंबर हूरा यग्रेजा कमीना गदा बाशत शाह शम्स का एक शेर सुना देता हूँ ता सूरत पैवन जहाँ बूद अली बूद ता नक्श जमीन बूद जमान बूद अली बूद अम आदम अम खजर अम यूसुफ अम अलियास हम हूद दाऊद पैगंबर हली बूद आन के आमाद अजर्श बफर्श आन जलवा नुमाई आन जलवा नुमाई अली बूद अन साजिद अम साजिद अम मस्जूद अम आबिद अम माबूद अली बूद अली बूद अली बूद ताके अस्त अली अस्त ताके बूद अली बूद इन सर बिश्नाव बाज शम्स शम्स हक तबरेजी लामको लामको दामको दामक ताके बदानी रूह का जिस्म का जिस्म का नारा हैदरी या अली तू सारे वलियों का सरदार है और हमें फख्र है आपका जो है सरदारी पर ए अमीर अल मोमिनीन अली अलैहि सलात व सलाम आपके जितने भी औसिया है जितने भी मुश्तबीन हैं जितने भी आप लोगों के आज़ादार हैं जितने मोहब्बत करने वाले हैं मोहब्बत करने वाले चाहत करने वाले उन सब को दिल से सलाम है उनको कोई गम न दे सिवाए गम हुसैन बादशाह के और कोई गम न दे सिवाए गम हुसैन के और हमारे आखिरी नासिर मेरे मौला महदी का जो है जल्द अज जल्द ज़हूर कर दे मेरा कोई नहीं है सिवाए मेरे मौला आदि महदी के मेरा वक्त का इमाम यही है जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत किए हुए बगैर मर गया वो तो मुर्तद है जाहिल है काफिर है नजस है कुत्ते से भी बतर ये मेरे छठे इमाम ने फरमाया और मेरे छठे इमाम ने फरमाया मेरे माँ बाप उनके ऊपर कुर्बान हो जो इस ज़माने को पाले मैं अगर इन ज़माने को इस ज़माने को पा लेता तो मैं इमाम ज़माना की खिदमत करता किस कदर महरूम है वो आंखें जो सारी दुनिया का मुशाहिदा तो कर सकती है मगर अपने ही वक्त के इमाम के दीदार से महरूम मन बर खाल लबात ऐ दोस्त गिरफ्तार शुदम चश्म बीमार है तुरा दीदम अवस खुद बीमार शुदम अल्लाहुम्मा कुल वली का उजत इब्न अल हसन सलावात का अलैह व अला आबाह रियाज़े सात व फी कुल साहत वलियम व हाफिज़म व क़ायद मनास वाहिना हतात उसके नाउ अर्ज कता हवत मत फीहा तवीला बि रहमत अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद अल्लज़ी अलीउन फि दरजात व हसनउन फि सिफात व शहीद उन फि तजल्लियात व ज़ैन उल आबिदीन व बाकिर आलम अव्वलीन व आखिरीन व सादिक उन फी अकवाल ही व काज़िम उन फी जमी आवाल ही व तमक उन फिल मकाम रज़ा जवाद अलकफ़ इन दलता व आदि विला सबील उन निजात व अस्करी उन फिल उज़ात व महदी विला तरीक़ुल यकीन आल तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अल्लाह अल्लाह तुजानी ज़िक्र सर ज़ुबान खुदाई कुल आलम राम कुबाली कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमातम व आया व अमवातम मौरगश किस्तब आलम ताब गफस नदारम नाद अली रब खानम शायद के दर नमानम नाद अली मजरुल अजायबात व गायबात कुल अमिन व गमिन सैन जिली नाद अली मजरुल अजायब व गायब तजद लखन फ़ियल नवायब कुल अमिन व गमिन सैन जिली बी अज़मत का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जल जलालो बिनबुअत के या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बी विलायत के या अली या अली या अली इदरकने 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 फ़ी सबीलल्लाह फ़ी सबीलल्लाह फ़ी सबीलल्लाह या अल्लाह या समद या गयासुल मुस्तगयसीन या कायर अल अदू या वाली अल वली या कायर अल वदू या कायर अल वली या नासिर अल वली या नासिर अल मुर्शिद या हुसैन या अब्बास इब्ने अली या कायर अल वली या कुदरत वकारतो या कहारो या नासिर अल वली या हुसैन या अब्बास इब्ने अली इदरकने 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 फ़ी सबील अल्लाह या सलाम या सलाम या सलाम या शाफ़ी हो या शाफ़ी हो या शाफ़ी या रहीम या रहीम या रहीम या बदी हो या बदी हो या बदी या मुग़स्सो या मुग़स्सो या मुग़स्सो बेहक़ या मोहम्मद या अली
وبيك يا فاطر السماوات والأرض خير النساء العالمين يا فاطمة الزهراء كريمة صديقة الأحرار وبيك يا إمام حسن مجتبى كريم وبيك محسن الشهيد وبيك يا شهيد دشت نينوى وكربلاء يا سبأ عظيم حسين ابن علي وبيك يا جناب جبرائيل عليه الصلاة والسلام وبيك يا جناب ميكائيل عليه الصلاة والسلام وبيك يا جناب إسرافيل عليه الصلاة والسلام وبيك يا جناب إسرائيل عليه الصلاة والسلام وبيك يا جناب دردائيل عليه الصلاة والسلام وبيك يا جناب بوجائيل عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم او بولو 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 سنی لال کلندر مات یا علی صلوات بر محمد و آل محمد یہ تھے سید ابراہیم صرف میں نے آپ کو اس بہت بڑے قافلہ ہے اس میں سے ایک شخص یا دو شخص یا آصف بھائی نے ملوایا آپ کو کیلیبر پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم جو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے جانا سب نے ایک ہی طرف ہی ہے بس رستے سب کے ڈیفرنٹ ہیں تو وہ رستہ آپ نے چننا ہے میں نے چننا ہے اپنا ذاتی اور اسی رستے پہ چلنا ہے کیونکہ اسی میں ہم نے جواب دے ہے ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں یہ ملنگ چلتے ہیں جو صدیوں سے جو ہے وہ لال نے جو سلسلہ شروع کیا اور نورانی تک کا اس کو پورا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کوئی پہلے جو ہے وہ دفعہ سمجھ جاتا ہے کوئی دوسری دفعہ کوئی تیسری دفعہ اور کوئی جب چاہیں اہل نظر سمجھا دیتے ہیں اور جس کو نہ چاہیں وہ اس کو جتنے بھی وہ یہ لگا لے جتنے بھی لاہوت کر لے وہ نہیں سمجھ سکتا اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کوئی جتنا بھی ہمیں سمجھا لے جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہم نہیں سمجھیں گے ہم جب چینج ہونا نہیں چاہیں گے ہم چینج نہیں ہوں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو شاید طویل ہو گئی ہو مگر یہ کام کی ویڈیو ہے اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں لیں اور اس پہ کام شروع کریں تاکہ آپ اپنے لیے چینج ہو سکیں اپنے لیے اپنے آپ پہ رحم کر سکیں اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدے مند میں ڈالیں نقصان دہ میں نہیں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کیسے ظلم کر رہے ہیں سوچ کے زیادہ کسی کی غیبت کر کے یا بغیر کسی سوچے سمجھے کسی بات پہ بول دینا کمنٹ کر دینا یا کچھ اور کر دینا کہنے کو بہت کچھ ہے یہیں پہ میں مختصر اپنی اس کو تمام کرتا ہوں اور آپ سے بولتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو لائک و شیئر ضرور کریے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم یا علی مدد ادرک نہیں